एक कौन सा लेक्चर है? हम लोग का टॉपिक था कंप्लीटली इमिसिबल, राइट? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर इमिसिबल। तो उसके लिए तो कुछ फार्मूला हम लोग डेवलप कर चुके थे। ओके, तो मान लेते हैं कि ए और बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट भी है और ए का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट ए है, करेक्ट? एंड बोथ आर कंप्लीटली इमिसेबल। बट अगर दोनों को मिक्स करके और हीट स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वाटर अब प्लस कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर वेरी लेस वोलेटाइल इन नेचर, मतलब हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 500 डिग्री सी। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सी। इसका मतलब वाटर 100 डिग्री सी पे 180 के बराबर वेपर प्रेशर क्रिएट कर लेता है, बट उसी ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल ऑलमोस्ट नॉन वोलेटाइल नेचर का मोर देन 600 डिग्री सी एयर बोल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट उसका वोलेटाइल करेक्टर इज वेरी लेस। और दोनों को मिक्स करते हैं तो उसको इससे मतलब नहीं था कि उसके ऊपर क्या, उसका मतलब था कि बस दोनों का कंबाइन एफर्ट से 180 के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पर दोनों को ए और बी को एक साथ करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और एक साथ मिक्स करते हैं बोथ आर कंप्लीटली इमिसिबल। बट ये थोड़ा तो एफर्ट लगाएगा वेपर क्रिएट करने में, राइट? दैट्स वाई इन दोनों का कंबाइन एफर्ट से जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इससे भी नीचे चला जाएगा, करेक्ट? किसका? इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में। इससे भी क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? मिक्सचर। सॉल्यूशन ही बोल सकते हैं मिक्सचर। तो उससे फायदा किसको हुआ बॉयल होने में? ए को या ज़्यादा फायदा बी को हो गया? बी को हो गया। इसका मतलब है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री सी था, राइट, और वाटर का था 100 डिग्री सी, दोनों को मिलाते हैं तो मोटा मोटी 100 से भी कम हो जाएगा, बट वो ज़्यादा किसके लिए बेनिफिटेड रहा? जिसका 500 प्लस में था, राइट? इसी मेथड को बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? तो ऐसा डायग्राम बनाइए, मैं लिखवा दूंगा। लिखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन of two immiscible liquid, the boiling point of a solution of two immiscible liquid is less than the individual boiling point of both the liquid, is less than the individual boiling point of both the liquid, कॉमा दिस कॉन्सेप्ट इज यूज इन स्टीम डिस्टिलेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज इन स्टीम डिस्टिलेशन। उसमें एक और पॉइंट बनाइए, ए सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड will boil
व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड विल बॉयल व्हेन टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉमा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज लोअर देन, इज लोअर देन देन द लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल. इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब दोनों का जो अपना सेपरेट सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम हो जाएगा. इसका मतलब जो कम रहेगा उससे भी कम दिखेगा, जो कम रहेगा उससे भी बड़े ज़्यादा बेनिफिट किसके लिए हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं. ये जनरली ऑयल के कंपनी में होता है, जहाँ पे सपोज कीजिए कि लास्ट जो बचता है अलकतरा, इस रोड बनाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, बट उसको बॉयल करना रहता है किसी खास पर्पज़ के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं उसके सरफेस पे स्टीम का फ्लो करते हैं, राइट. इसको उसके हेल्प से हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ क्या कर देते हैं 100 डिग्री से भी कम दिखा देते हैं. और अगर उसको सिर्फ अकेले उसको अगर बॉयल करते तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 500 डिग्री दिखता, करेक्ट. एक और पॉइंट लिखिए, इतना से ही काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखने का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके पहले मैं फार्मूला ऑलरेडी डेवलप कर चुका हूँ, ठीक है. चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे एवरीवन, सॉल्यूट मेरा रहेगा गैस और सॉल्वेंट क्या रहेगा लिक्विड, और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस लॉ का नाम क्या रहेगा, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ है ना. यस, HENRY, हेनरी लॉ. इस पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और आपका फर्स्ट टर्म में आ सकता है. एक पॉइंट लिखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट बनाइएगा, द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, द नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सिस्टम. थर्ड पॉइंट, द प्रेशर ऑफ गैस. तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ गैस, गैस मेरा यहां पे सॉल्यूट है राइट, और प्लस नेचर ऑफ
सॉल्वेंट। सपोज कीजिए कि अमोनिया गैसियस फॉर्म में व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, करेक्ट, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, इसमें हम लोग अमोनिया किस फॉर्म में डाले हैं, गैस के फॉर्म में, ए भी पोलर और ए भी पोलर नेचर है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा सॉल्विटी दिखाएगा, और एट द सेम टाइम अगर उसका और भी कोई रिएक्शन हो गया तो ए हो, यहाँ पे इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन भी होता है, ये आपस में मिक्स और क्या बन जाता है, NH4। तो वैसा कोई भी गैस किसी लिक्विड में आप पास कर रहे हैं जिसका उसके साथ रिएक्शन भी हो रहा है प्लस नेचर भी सेम है, तो उसका सॉल्विटी कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा अमोनिया कन्वर्टेड इनटू NH4OH, बट ये तो होता है ना कि व्हेन अमोनिया पास मिक्स विथ वाटर, अमोनिया प्लस वाटर बिकम्स NH4OH, राइट, या HCl वेपर, करेक्ट, ये भी तो हो सकता है कि HCl का वेपर आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों हाईली पोलर नेचर का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होगा, ये तो इस तरीके से डिजॉल्व होगा कि ये तो ब्रेक हो जाएगा, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। इसका मतलब है कि वैसा कोई भी गैस जिसका सॉल्वेंट के साथ या तो नेचर सेम हो और नहीं तो वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा हो किसी न किसी वे में, तो उसका सॉल्विटी कम दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा, ये दोनों एग्जांपल के बाद नीचे लिखिए एक लाइन। इफ द गैस विल विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इफ गैसेज विच आर कैपेबल टू फॉर्म आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर मच मोर सॉल्युबल इन वाटर विथ रेस्पेक्ट टू अदर सॉल्व। इफ गैसेज आर फॉर्म आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन देन दीज गैसेज आर मच मोर सॉल्युबल इन वाटर विथ रेस्पेक्ट टू अदर सॉल्वेंट। अब यहाँ देखिए, अब कॉमन सेंस क्या कहता है, अमोनिया गैस प्लस वाटर एज लिक्विड, और अमोनिया गैस अब प्लस बेंजीन इन लिक्विड फॉर्म, किसमें अमोनिया ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा, वाटर में जाके आयंस प्रोड्यूस करेगा NH4+OH-, बट क्या यहाँ पे इसका नेचर है पोलर, क्या ये बेंजीन के साथ आयंस प्रोड्यूस करेगा, मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन हो सकता है कर सकता है, बट आयंस तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ए और बी में किसमें अमोनिया का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगा, वाटर में ज़्यादा रहेगा, करेक्ट ना, मतलब कहने का सेंस है कि या तो नेचर सेम हो नहीं तो वाटर में जाकर आयंस बना रहा हो या वाटर के साथ किसी न किसी तरीके से रिएक्शन कर रहा हो तो उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा दिखेगा। एक और लिखिए, तो पहला पॉइंट तो हो गया नेचर ऑफ गैस, सेकंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक मिनट आप बताइए, तो अगर लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो उसमें गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा या कम होना चाहिए, आपको क्या लगता है, मुझे लगता है कम होना चाहिए, यस, हीट करने से क्या होगा, गैस को उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होगा, यस, ठंडा में ज़्यादा रहेगा और गर्म करेंगे ना, हीट करेंगे तो गैस वहाँ से आउट होना चाहेगा, राइट, ना कि उसमें एब्जॉर्ब होना चाहेगा, इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी एक को कांस्टेंट कहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिख लीजिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन दैट लिक्विड डिक्रीजेस, At constant pressure, temperature of liquid increases, comma, solubility of gas in that liquid decreases. हाँ,
पहला पहला पॉइंट था इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस. चलिए यहाँ देखिएगा, एक मिनट, हेनरी लॉ. बाकी जो तो दो पॉइंट लिखवाया है उसके लिए हेनरी लॉ ने, यहाँ देखना है सबको, बाकी जो दो पॉइंट मैंने बोला वो जस्ट इंट्रोडक्शन, उसके लिए हेनरी लॉ नहीं दिया गया है, हेनरी लॉ प्रेशर के लिए दिया गया है, करेक्ट. तो अब जो मैं बोलूँगा वो है हेनरी लॉ, इफेक्ट हेनरी लॉ है फॉर इफेक्ट ऑफ प्रेशर. किसके लिए लिखिए? इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बट कवर तो करना ही है. इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखिए. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस डिजॉल्व, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू, ऑफ ए सॉल्वेंट प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ये पहला स्टेटमेंट है, इसको फर्स्ट स्टेटमेंट कर लीजिए, फिर से मिला लीजिए. द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर इंट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, करेक्ट. इसका मतलब कहने का सेंस ये हो गया ना, एम डायरेक्ट. सर वो सुन पा रहे हैं? yes, समझ भी पा रहे हैं? ओके. बट मुझे लग रहा है कि जो मैं बोलना चाहूँ आप नहीं समझे. एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? व्हाट इज कीपिंग कॉन्स्टेंट? वेरी गुड. तो एम इक्वल टू व्हाट? के इन टू पी, जहाँ पे के को क्या बोलेंगे? हेनरी कॉन्स्टेंट, उनके ऑनर में क्या बोलेंगे? के इज इस पे 2012 में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में, पहले सिलेबस में नहीं था, बाद में ऐड कर दिया गया. लिक्विड का तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ एक्सपेंशन बहुत कम ही देखते हैं. हाँ तो उसको उस टर्म में बोला गया है मास पर यूनिट वॉल्यूम डिजॉल्व. एम क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम डिजॉल्व. बट यहाँ पी क्या है? पहले पी को समझ लेते हैं. बोले भाई. ओके एक मिनट, यहाँ देखिए एक कोई लिक्विड है, करेक्ट एवरीवन? आइस के ऊपर गैस है, ठीक है. ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लिक्विड के ऊपर दो टाइप का गैस हो. लिक्विड के ऊपर कितना टाइप का गैस हो? दो टाइप का गैस रहेगा, करेक्ट. तब यहाँ पे अगर मास ऑफ ए डिजॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखें? पीए लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर. यहाँ पे ये बोलना चाह रहे थे, राइट? मास किसी पार्टिकुलर गैस का मास डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस गैस का पार्शियल प्रेशर. प्रेशर ऑफ व्हाट? गैस. तो जिस गैस का सॉलिडिटी का बात कर रहे हैं उस गैस का प्रेशर लेंगे. तो अगर किसी लिक्विड के सरफेस पर दो गैस है ए एंड बी, तो ए में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर बोलें या उसका खुद का पार्शियल प्रेशर? खुद का पार्शियल प्रेशर, करेक्ट. ये आपको समझाने के लिए एक्चुअली मैं बोलना ये चाह रहा था, हेनरी लॉ ये बोला गया है. इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एम ए इक्वल टू व्हाट? और हर गैस के लिए हेनरी कॉन्स्टेंट अलग अलग रहेगा. फॉर ए गिवन लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लिक्विड वाटर है तो वाटर के सरफेस पे बहुत सारा गैस रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, नाइट्रोजन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, SO2 भी रहेगा, डिफरेंट गैस. तो हर गैस के लिए वाटर एज ए सॉल्वेंट को कॉन्स्टेंट मानते हुए
हर गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग अलग रहेगा, करेक्ट? दैट्स वाई एम ए इक्वल टू व्हाट, के इंटू व्हाट, पी ए, एम बी इक्वल टू के वी इंटू पी वी। मैं एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे इसको यूज कीजिएगा। तो सर व्हाट अबाउट दिस वन, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये हेनरी कांस्टेंट ए के लिए और बी के लिए फॉर ए गिवन सॉल्वेंट दिया रहेगा, करेक्ट ना? और उस टाइम पे हो सकता है कि मैं इसका रेशियो पूछूं तो निकल जाएगा, और जब रेशियो पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर हम लोग को पता रहेगा, करेक्ट ना? यहां तक किसी को डाउट? एम मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इन गिवन लिक्विड, पर यूनिट वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम लिक्विड का, मास किसका, गैस का, वॉल्यूम किसका, लिक्विड का। मास डिजॉल्व, मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट ऑफ लिक्विड, पर यूनिट ऑफ व्हाट, लिक्विड, करेक्ट? क्या बोले? हाँ, देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो गैस का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रख लीजिए, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिफरेंट डिफरेंट दिखाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम गैस का सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, राइट? तो ऑब्वियसली हेनरी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर बोला गया। और लास्टली एक कॉन्सेप्ट इतना ही टाइम डिजर्व करता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं, बस इस पर प्रॉब्लम करेंगे काम खत्म। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसमें टाइम ही नहीं लगाएंगे। लिखिए एक और फॉर्मेट हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जैसे कैसे डाल्टन को दो फॉर्मेट हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, सेकेंड पॉइंट बनाइएगा, द प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर ए सॉल्यूशन In which the gas is dissolved is proportional to mole fraction of gas dissolved in solution is proportional to mole fraction of gas dissolved in solution. ये सेकेंड फॉर्मेट है हेनरी का। यहां देखिए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो जिस गैस का बात कर रहे हैं उसी गैस का क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन, बट कहां पे, सॉल्यूशन में। अब वो गैस नहीं रहा, कोई पार्टिकुलर सॉल्वेंट नहीं रहा, मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए, यहां देखिए एवरीवन, यहां पे नंबर ऑफ बी मेरा लिक्विड है, सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, लिक्विड, और ए जो यहाँ पे गैस था वो बी के साथ अगर डिजॉल्व हो गया तो ऑब्वियसली उसको आप किसी फॉर्म में मानिए, गैस मानिए, लिक्विड मानिए, आई डोंट नो, बट लिक्विड के फॉर्म में ही तो सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे ए मेरा सॉल्यूट है, तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल्स एन ए है और इसका नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। तो मान लेते हैं कि ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए डिजॉल्व हुआ है इस लिक्विड में, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना रहेगा, एन ए वाई एन ए प्लस, इसका मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट। और यहाँ पे उस गैस का प्रेशर पार्शियल, यहाँ पे जब गैसियस फॉर्म में जिस प्रेशर पे वो डिजॉल्व हो रहा है, राइट, दिस इज द पी ए, इसका मतलब पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, देन पी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एक्स ए, जहाँ पे के क्या रहेगा, हेनरी कांस्टेंट फॉर गैस ए, ये क्या रहेगा, हेनरी कांस्टेंट, लेकिन व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कीपिंग। ये दो फॉर्मेट पे ग्राफ या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इतना ही थ्योरी है हेनरी लॉ का। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए,
हो गया ना। अब लिखिए द हेनरी कॉन्स्टेंट फॉर हाइड्रोजन गैस इन वाटर, द हेनरी कॉन्स्टेंट फॉर हाइड्रोजन गैस इन वाटर इज 5.34 इंटू 10 टू द पावर 7 टॉर। अच्छा हेनरी कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या रहेगा अगर यहाँ पे देखते हैं तो? ये तो यूनिटलेस ना, तो जो प्रेशर का रहेगा यूनिट वही क्या रहेगा हेनरी कॉन्स्टेंट का रहेगा इस फार्मूला के लिए, दिस वन। कैलकुलेट फुल स्टॉप, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट 20, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सी। इफ इट्स पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, इफ इट्स पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 760 टॉर, इफ इट्स पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 760 टॉर मतलब 180 फुल स्टॉप। सपोज दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सपोज दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये बोला गया है क्वेश्चन में, सॉल्व कीजिए। देखिए ऐसे तो ये आपसे नहीं बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपके पास दो फार्मूला है ना हेनरी लॉ का, यहाँ पे कौन सा लगाना है वो हेनरी कॉन्स्टेंट से पता चल रहा है। पी यस पी इक्वल टू व्हाट के एक्स टू के एक्स और पी इक्वल टू के और एक्स के लिए क्या लिखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस टू और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट यस एस टू करेक्ट है ना। इसका लास्ट लाइन में इसका सॉल्यूशन है, क्या बोला गया है डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट आर ऑलमोस्ट सेम द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट को मिक्स भी किए हैं तो शायद बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता है। बाकी आपको कैसे बाकी कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? इसका मतलब ये बोलने का मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि सॉल्विटी इज वेरी वेरी लेस, तभी हो सकता है नाम मात्र का शायद उसमें सॉल्यूट गैस डिजॉल्व हुआ है तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी पे फर्क
अगर बहुत ज़्यादा सॉलेबल रहता, बहुत ज़्यादा गैस अगर उसमें सॉलेबल रहता, सॉलिबिलिटी दिखाता, तो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट पे फर्क पड़ता, राइट। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर इक्वल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज वेरी वेरी लेस इन इन वाटर। इसका मतलब है कि इस एजम्पशन के साथ आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। लास्ट लाइन का मतलब ये हिंट हुआ कि ऑलमोस्ट सेम रह गया डेंसिटी, इसका मतलब कि सॉलिडिटी ऑफ गैस इज वेरी लेस। तो अगर वेरी लेस है तो क्या रहेगा, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल्स से बहुत ज़्यादा रहेगा, इसका नाम मात्र का रहेगा। तो P इक्वल टू व्हाट, के एन एस टू आर डिवाइडेड बाई एन एस टू ओ। पहला तो ये लास्ट लाइन से मैं ये हिंट लिया, यहाँ तक समझे मेरी बात को। अब एक मिनट, अब कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, एक मिनट, इज इट कंपल्सरी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर ऑलवेज हम लोग मास के टर्म में बताएं, ऐसे मास पर यूनिट वॉल्यूम बता देंगे। मास किसका, सॉल्यूट का, अब वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का। बट मोल पर यूनिट वॉल्यूम भी तो बता सकते हैं, मोल गैस का अब वॉल्यूम सॉल्वेंट का। तो मान लेते हैं, कुछ तो मानना पड़ेगा, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 लीटर, करेक्ट। और सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर। तो अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर लेते हैं, मतलब 1000 ml, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना भाई। और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट में फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहेगा, 1 g/ml बोल सकते हैं ना, 1000 g। ये समझ में आ गया कि मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लीटर वाटर का मास को, यहाँ पे सॉल्यूशन का 1 लीटर का मास को हम लोग वाटर का 1 लीटर का मास के बराबर कर दिए, क्योंकि डेंसिटी में फ़र्क नहीं पड़ा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा 1000 / 18, हाउ मच, 55.56। और आपने वॉल्यूम कितना लिया है, 1 लीटर, तो यहाँ से, और पी कितना था इसका गैस का, 760। और के का वैल्यू कितना है, 5.34 × 10⁻⁷, एन एस टू आर डिवाइड बाई 55.56। तो यहाँ से एन एस टू निकल जाएगा कितना, 760 × 55.56 और डिवाइड बाई 5.34 × 10⁷। आपको नहीं तक ये वैल्यू बहुत छोटा है, अब 10⁷ से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। एक कैलकुलेट करके मोटा मोटी आएगा 8 × 10⁻⁴। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इन वाटर, क्या बोल सकते हैं, 8 × 10⁻⁴ पर लीटर, हाँ या ना। अब इसी को आप मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मोल पर लीटर, किसका मोल, किसका लीटर, मोल हाइड्रोजन गैस का और लीटर किसका, सॉल्वेंट का। तो क्या इसको मास में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, तो वही हो जाएगा क्या, मास पर इंट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। कितना से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 से, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, तो इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 8 × 10⁻²·2 g/L। विदाउट दिस एजम्पशन जो मैंने यहाँ पे लिया, एक क्वेश्चन फिर नहीं बनता, इस एजम्पशन के बाद ही क्वेश्चन बन सकता था, अदरवाइज बनता क्या, एक ही क्वेश्चन 2 अननोन रहता, 1 इक्वेशन और 2 अननोन, हाउ कैन बी सॉल्व। लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट बोल दिए, तो वहाँ से हम लोग इसको बना पाए, करेक्ट।
एक मिनट, हाँ ऐसे एक मिनट, अगर इस एजम्पशन को नहीं भी लेते तब भी ये बन सकता था। बोलिए किस इंफॉर्मेशन से सर? NH2, एक मिनट, यस NH2 और सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेते 1 लीटर, कितना लेते 1 लीटर, करेक्ट। और सॉल्वेंट का अगर वॉल्यूम हम लोग 1 लीटर लेते तो 1 लीटर में ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस 1 लीटर में क्या हम लोग निकाल लेते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर? तब तो अननोन एक ही तो रह जाता, बट यहाँ पे NH2 आता, वो सॉल्वेंट को 1 लीटर के लिए आता, सॉल्वेंट के यस, तभी बन सकता था नहीं? हाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता, लेकिन बेस्ट यही रहता नहीं विदाउट टेकिंग, क्योंकि ये तो दिमाग में नहीं भी रह सकता है सॉल्वेंट हम लोग 1 लीटर लेकर काम करना स्टार्ट करते, तो बेस्ट तो यही है। एक बार चेक कीजिएगा तो, लेकिन ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आएगा, ठीक है एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन ठीक है। क्या बोले यहाँ पे? ये मैंने इसको सॉल्व किया, क्या बोले? यस, ए मोल्स है पर लीटर, ए मोल्स आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना पुट किया, ये कितना कितना लीटर में आया है? 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो नाइट्रो जो हाइड्रोजन गैस का आएगा वैल्यू वो क्या रहेगा? दिस इज सॉल्युटी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर हाउ मच लीटर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि आपने इसका यहाँ पे 1 लीटर ही लिया है, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आया वो है गैस का सॉल्युबिलिटी पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इसी को मास में कन्वर्ट कर देंगे तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा, बट लीटर किसका ले रहे हैं? सॉल्वेंट का। अब मास किसका ले रहे हैं? सॉल्यूट का, ठीक है। इसमें यहाँ पे विदाउट टेकिंग द एजम्पशन दिस वन वी कैन सॉल्व, राइट। लेकिन वहाँ पे मानना तो पड़ेगा कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना लिए हैं, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन बैंक में 4 या 5 प्रॉब्लम अभी तक मिलेगा आपको, ठीक है, हेनरी लॉ पे, उसको देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनाइए तो, यूजिंग द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर एट 25 डिग्री सी। इन ओपन कंटेनर, हालांकि इन ओपन कंटेनर मैंने ऐड कर दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन ये है, जो भी ऑथर क्वेश्चन दे रहे हैं उनके माइंड में बैकअप द माइंड क्या चल रहा है, उन्होंने क्वेश्चन बस एक ए सेट किया है। यूजिंग द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर O2 एंड N2 कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर एट 25 डिग्री, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, बाकी इसके बाद कुछ भी नहीं बोला गया है। लेकिन मैं जानबूझकर यहां देखिएगा, ए है H2O। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का पूछने का यहाँ पे मेन थीम यह था कि एयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, समझे, कहाँ का एयर का जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए मैंने ओपन कंटेनर कर दिया। ओपन कंटेनर का मतलब किसका नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर डिजॉल्व होगा? एयर का। तो एयर का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो यहाँ पर डिजॉल्व हो रहा है और आपका KN2 और KO2 दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो KN2 का वैल्यू है 6.51 × 10⁻⁷ और KO2 का वैल्यू है 3.30 × 10⁻⁷। सॉल्व कीजिए।
टॉर्क यहां पे यूनिट है टॉर्क। वन इज टू फोर, वन वन इज टू फोर तो नहीं है, यहां देखिएगा प्रेशर ऑफ ऑटो इक्वल टू व्हाट, के ओ टू एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू आया ना, ये दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर करेक्ट। अब प्रेशर ऑफ एन टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, और यहां पे मोल फ्रैक्शन कहां का, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का इन वाटर राइट, हेनरी लॉ में यहां पे मोल फ्रैक्शन क्या कहां का लेते हैं, वाटर में करेक्ट, एक्स इन टू। अब एक मिनट भाई, एयर बोला गया है तो एयर को मोटा मोटी क्या मानते हैं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ बाकी गैस 1% को माइनस कर दिया जाए तो एयर इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एयर इज द कम्बिनेशन ऑफ बाकी का अगर नहीं बोला गया इसका मतलब एयर इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड, इसके इस एजम्पशन के साथ भी क्वेश्चन को बना लीजिएगा करेक्ट। तो क्या यहां से प्रेशर ऑफ ओ टू के लिए क्या लिख सकते हैं, 21/100 इंटू 1 atm, एयर का कितना प्रेशर ओपन कंटेनर के ऊपर 1 atm, ये कौन सा लॉ मैंने लगा दिया, डाल्टन्स लॉ, अगर 100 मोल एयर का है तो उसमें कितना परसेंट रहेगा एयर ऑक्सीजन, 21%, तो 21/100 इंटू 1 atm कर सकते हैं करेक्ट, कितना atm में क्रिएट करेगा, एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मोटा मोटी 0.21 atm, इज इट राइट, और नाइट्रोजन का 79/100 इंटू 1 atm करेक्ट ना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो कितना रहेगा 0.79 atm। इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, किसका बाय किसका निकालना था, तो PO2 बाय PN2 इक्वल टू KO2 बाय KN2 इंटू XO2 बाय XN2, आपको यही तो वैल्यू निकालना था, रेशियो दिस इज द रेशियो आपको फाइंड आउट करना था, इम्प्लाई XO2 बाय XN2 इक्वल टू PO2 बाय PN2 इंटू KN2 बाय KO2
इसके बदले कितना पुट करेंगे 0.21, इसके बदले कितना पुट कीजिएगा 0.79। के एन टू का वैल्यू पता है ना, लिखे देते हैं कहीं पे 6.51 इंटू 10 टू द पावर 7 और डिवाइड बाई 3.3 इंटू 10 टू पावर 7, करेक्ट। जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर है। नहीं, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, ये और आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कर दूंगा आपको अच्छा लगने के लिए, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में इसका आंसर है 0.52, इसका आंसर है 0.52। रेशियो आंसर है 0.52:1, 0.52:1, मतलब पूरा कैलकुलेट करके 0.52 आना चाहिए। अरे कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना भाई, सारा क्वेश्चन तो कैलकुलेशन का रहेगा नहीं। चलिए घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको हटाएं, ऑनलाइन स्टूडेंट एक जेई 2009 में आया हुआ है, लिखिए द हेनरीज लॉज कॉन्स्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, द हेनरीज लॉज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 × 10⁵ atm। मतलब मोटा मोटी कहने का सेंस है K n2 is this one फॉर वाटर, यस इन वाटर, दिस इज फॉर व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए हेनरी कांस्टेंट किसी गैस का डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, ये वाटर के लिए दिया हुआ है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर ऐसे कितना रहता है 0.79, बट यहां पर दिया 0.8। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8 फुल स्टॉप। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, देखिए कितना बढ़िया से क्वेश्चन को एकदम सजा के दिया गया है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर, 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर, मतलब पूरा एयर का प्रेशर कितना कर दिया गया है, एयर को प्रेशराइज कर दिया गया है। ऐसे जनरली एयर का प्रेशर रहता है 1 atm, बट एयर को कहीं पर डालकर हाई प्रेशर कर सकते हैं बाय यूजिंग पिस्टन। देन निकालना क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 10 moles of water, ऑप्शन दिया हुआ है 10 liter, नहीं भाई 10 moles of water, पूरा क्वेश्चन लिख लिए हैं, अगेन क्वेश्चन रिपीट करें। द हेनरी कॉन्स्टेंट फॉर नाइट्रोजन इन वाटर एट दिस टेम्परेचर इज दिस वन, करेक्ट फुल स्टॉप। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8 फुल स्टॉप। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 moles of water
एट 298 केल्विन एंड 5 एटीएम प्रेशर इज, उसके बाद चार ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट? तो फ्री में मार्क्स है, पहले फार्मूला लिखिए और फार्मूला का मतलब समझिए। फार्मूला पहले लिखिए, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला चलेगा? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। इसके बाद सॉल्व आप ही को करना है, यहाँ देखिए आप लोग मुझे और लोग ट्राई कीजिए, मुझे करेक्ट ऑप्शन का आंसर चाहिए, क्या आता है आप जानिए। 4 × करेक्ट ऑप्शन ए, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था? करेक्ट ऑप्शन ए है। एक मिनट, अगर आप किसी का मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, कभी बात को समझे, एक्स टू लिखते हैं तो ये लिखते हैं ना एन वन बाई एन टी, मान लेते हैं इसका वैल्यू 2 आया, पूरा डिकोड करके पढ़ी तो 2 मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्यूशन, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोटा मोटी यही बोलते हैं ना। तो यहां पे P इक्वल टू क्या लिखे हैं, के पी एन टू इक्वल टू के एन टू इंटू एक्स एन टू, सही है ना एवरीवन? और प्रेशर ऑफ एन टू कितना, 0.8 इंटू टोटल प्रेशर लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 एटीएम नहीं है, 5 एटीएम कर दिया गया है, राइट? तो कितना आ जाएगा, 4 एटीएम, तो 4 इक्वल टू मतलब 5 एटीएम सारे पूरे एयर का प्रेशर है, और उसमें नाइट्रोजन का कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो 4 एटीएम हो गया, 4 इक्वल टू के एन टू इंटू एक्स एन टू, एक्स एन टू का वैल्यू 4, यहाँ पे कितना वैल्यू था, तो 4 बाई 1 इंटू 10 टू द पावर 4 मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -5, करेक्ट? सॉरी माइनस, ठीक तो है, लेकिन एक एक्चुअली इंडिकेट क्या करेगा, यहाँ देखिएगा
अब यहाँ पे एक एजम्पशन के बाद ही एक क्वेश्चन बना होगा, यस, क्योंकि एग्जाम हॉल में जैसे ही इसको लिखिएगा तो एक अभी जस्ट यहाँ पे आप पढ़े ना कि एक्स वन के लिए क्या लिखते हैं, लेकिन ये वैल्यू आप देख रहे हैं इसका मतलब, एक मिनट, 10^-5 है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी वेरी हाई है, वेरी लेस, सॉल्युबिलिटी वेरी लेस, करेक्ट। तो जैसे ही x1 लिखते हैं तो n1 बाई एन टी रेशियो तो है ना, n1 वन बाई, और इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं 2 आता है तो क्या पढ़ेंगे, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ेंगे। तो ये क्या है, दिस 4×10^-5 मोल ऑफ नाइट्रोजन पर मोल ऑफ सॉल्यूशन, पर मोल ऑफ, तो सॉल्यूशन में तो दोनों रहेगा ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बट आपको तो सिर्फ यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर पे आ गए हैं, वो तो सिर्फ किसका है, वाटर का है। तो आपने अजम्पशन क्या लिया कि एन एस, यस, एन एन टू प्लस एन एस टू ओ इक्वल टू, मोटा मोटी आपने कितना मान लिया, 10 मान लिया इस, और उसके पीछे का कॉन्फिडेंस ये रहा कि वैल्यू बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि इसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, अगर इसका मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का इतना कम है, 10^-5 मतलब नाइट्रोजन बहुत कम घुला हुआ है वाटर में, दैट्स वाई दिस प्लस दिस इक्वल टू ऑलमोस्ट क्या, 10 लेते हैं। तो ये क्या था, ए था एक्चुअल में ये वैल्यू था 4×10^-5 मोल ऑफ नाइट्रोजन पर मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग मान लेंगे 4×10^-5 मोल ऑफ नाइट्रोजन पर मोल ऑफ वाटर, बोलना चाहिए था सॉल्यूशन, मान क्या लेंगे, वाटर, करेक्ट, बाय दिस एजम्पशन। तो अब यहाँ पे 1 मोल में इतना मोल डिजॉल्व किया हुआ है, 1 मोल वाटर में इतना मोल है, तो 10 मोल वाटर में कितना रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा, देखिए दिस इज, एक मिनट, दिस इज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगे तो डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछे हैं और क्या उनका माइंड में चल रहा है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज एक जनरल थ्योरी क्या है, कोई टीचर पढ़ा रहे थे, एक जनरल थीम पे पढ़ाया गया, बट किस तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो आपको क्वेश्चन बैंक सिखाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एन टू इन 10 मोल ऑफ वाटर के लिए क्या करना है, 4×10^-5×10 कितना हो जाएगा, 4×10^-, ये आंसर रहेगा। ओके एवरीवन, हो गया ना, समझे नहीं समझे, ओके। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन, अब हेडिंग बनाइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्लीज बात मत कीजिए, बोलिए, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बोली बोली बोली, वेरी गुड। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी है विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, करेक्ट। साइज नेचर का मतलब वो सॉल्यूट पार्टिकल कटायन है या न्यूट्रल है उससे कोई मतलब नहीं है, करेक्ट, या उसका साइज छोटा है या बड़ा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, एक बार लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए,
दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम एक मिनट मैंने जानबूझकर इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ने बोलकर उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व किया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एक मिनट रुकिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो मास पर ग्राम के लिए टर्म भी हो सकता है बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब मेन है मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉमा डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल कौन सा किसका पार्टिकल सॉल्यूट का डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल और साइज ऑफ पार्टिकल यहां देखिए एवरीवन मान लेते हैं कि वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 2 लीटर राइट कितना और जनरली मैं इस पूरे चैप्टर में ए को क्या मान के चल रहा हूं सॉल्यूट अब बी को क्या मान के चल रहे हैं सॉल्वेंट ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एक इंडिकेट कर रहे हैं 6 पार्टिकल एक का तो रहेगा नहीं बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लीटर में कितना पार्टिकल 6 ऐसा नहीं रहेगा अरबों खरबों रहता है यहां पे भी इक्वल टू 2 लीटर मैं जानबूझ के इस पे कटायन डाल दिया अरे मेरा ए सॉल्यूट है सी ए सॉल्यूट है ए सॉल्यूट है सी दो अलग अलग सॉल्यूट राइट बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर यहां भी 2 लीटर करेक्ट और यहां भी 2 लीटर में कितना पार्टिकल 6 यहां भी 2 लीटर में कितना पार्टिकल 6 तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर दोनों का डिफरेंट है या सेम है सेम है इसका मतलब इस सॉल्यूशन का ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन फर्स्ट का एंड सॉल्यूशन सेकेंड का ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा सेम रहेगा बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने नहीं बोला सिर्फ याद रखिएगा ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे 6 पार्टिकल ध्यान से देखिए कितना पार्टिकल सॉल्यूट का 6 और यहाँ पे 2 लीटर और यहाँ पे रहते 6 पार्टिकल और 1 लीटर तो क्या सेम रहता तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिर्फ बोलना सही था या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सॉल्यूशन पर लीटर सॉल्यूशन करेक्ट सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नहीं काम चलेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बोलते हैं तो ये बोला कीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कीपिंग कॉन्स्टेंट करेक्ट इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट नंबर ऑफ एक और प्रॉपर्टी होता है यहां देखिए एक लाइन लिख लीजिए लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी
एक ड्रॉबैक है इसका। नहीं, जिस दिन शाम में दो क्लास होता है उस दिन आ जाइए। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, आप लोग तो यहाँ बैठे हुए हो। ये सनी अहमद और साहिल अहमद को बोल रहे हैं, कभी कभी सर से भी मिलते रहिए आकर। दोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। कोई एक एग्जांपल, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। साइज ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन फॉर एग्जांपल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो नहीं लगता है कि न्यूट्रल सॉल्यूट रहेगा सॉल्यूशन में वो ज़्यादा सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनाएगा, या जो चार्ज रहेगा वो ज़्यादा बनाएगा, चार्ज रहेगा वो ज़्यादा बनेगा, राइट। मान लेते हैं कि आफ्टर डिजॉल्विंग सॉल्यूशन कोई कटायन ऐसे है, और आफ्टर डिजॉल्विंग सॉल्यूशन कोई कटायन ऐसे हो जाए, किसका मोबिलिटी ज़्यादा रहेगा भाई? इसका मोबिलिटी ज़्यादा रहेगा, राइट। और जिसका मोबिलिटी ज़्यादा रहेगा, मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, करेंट का कैरियर कौन है? चार्ज पार्टिकल। तो जिसका साइज छोटा, अगर आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर जिसका साइज अभी भी छोटा है तो उसका मोबिलिटी ज़्यादा, तो कंडक्टिविटी, वो कंडक्टर ज़्यादा दिखाएगा सॉल्यूशन को, उस पर कंडक्टेंस ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट, सॉल्यूशन में अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर ज़्यादा रहेगा देन कंडक्टिविटी या तो ज़्यादा रहेगा नहीं तो कम है रहेगा, फर्क डाल देता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी। तो कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है? ये तीनों बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी हम लोगों को तो पढ़ना है कॉलिगेटिव, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं। ओके, कौन कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है? वैसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी का है कि दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। एग्जाम्पल में कंडक्टेंस लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाते रहूँगा तो वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। हाउ मेनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? चार। कौन कौन सा? आर एल वी पी। और कौन सा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कौन सा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पे ये नहीं बोलेगा सर एक और नॉर्मल और एबनॉर्मल है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दो टाइप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक रहता है आइडियल नॉर्मल, एक एबनॉर्मल। तो बट पहले इसको वन बाय वन जान तो लेंगे। ओके, यहाँ देखिए, इट इज़ एक मिनट। तो इस सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं हम लोग, इस बात पे बहुत सारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो सर सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें, बोलिए भाई, यह सॉल्यूट किस फॉर्म में हो? सॉलिड। और सॉल्वेंट किस फॉर्म में हो? लिक्विड। और दोनों कंप्लीटली मिसिबल, होमोजेनस सॉल्यूशन। इमिसिबल या मिसिबल? देखिए, इन ऑल फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
पहला पॉइंट बनाए थे नोट करके, इन ऑल फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। एक और पॉइंट बनाइए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीदर फ्रीजेस नॉर वेपोराइजेस, ये कहीं पे काम में आएगा हम लोग को। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीदर फ्रीजेस नॉर वेपोराइजेस। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, मैंने वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया, यहां देखना है रुद्रांग, वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया राइट, और उसमें 100 ग्राम सॉल्यूट सैंड को सॉल्यूट मानकर डाल दिए, देन तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई वो सॉल्यूशन में है ही नहीं, वो तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना। अब उसको इग्नोर कीजिए, मतलब ऐसा सैंड डाल रहे हैं ना जो बिल्कुल हंड में जाके बैठ जाएगा, उसको मैं बेट करूंगा, बालू के साथ मिलाएंगे मिक्स होगा क्या? सही सही बताइए, आइडियली राइट, एब नॉर्मल नहीं, नॉर्मली नॉर्मली भाई यहाँ पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या सिखाने की कोशिश किया कि वैसा सॉल्यूट जो प्रेसिपिटेट हो जाए राइट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ये हम लोग को कहीं पे काम में आ जाएगा करेक्ट। सर कहाँ पे काम में आएगा, मान लेते हैं सपोज कीजिए लाइक K2SO4, बहुत बढ़िया एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? यहाँ देखिए तो K2SO4 प्लस BaCl2 करेक्ट, ये पता ही नहीं कि सॉल्ट और सॉल्ट भी आपस में रिएक्ट करता है। yes, अगर आपस में इंटरचेंज करने के बाद अगर प्रेसिपिटेशन हो, बेरियम सल्फेट इज वेरी लेस सॉल्यूट इन वाटर, तो ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। और क्या बनेगा बोलिए? 2KCl। अब मान लेते हैं कि इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट, मान लेते हैं लेट अस सपोज दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लेट अस सपोज, तो आफ्टर दिस आपके सॉल्यूशन में कौन कौन रहा? ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो अगर आज के क्लास में अगर ये बात नहीं आपको बताते, तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए इसका भी पार्टिकल काउंट करना स्टार्ट करते, बट क्या ये रिस्पॉन्सिबल अब रहेगा? तो जो प्रेसिपिटेट हो गया वो सॉल्यूशन में है ही नहीं, और जो सॉल्यूशन में होमोजेनिटी नहीं घुला हुआ है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं डालेगा। तो कहीं पे भी अगर ऐसा डैम श्योर असाइनमेंट में क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं सिखाने की कोशिश किया कि जो भी सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो जाएगा उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकाउंट में नहीं लेंगे करेक्ट। जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्क डालेगा, जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्क, ठीक है, की पॉइंट मैंने समझाया करेक्ट ना। तो इसको खुद के लैंग्वेज में लिखिए, इतना इंपॉर्टेंट बात को छोड़ दे रहे हैं, खुद के लैंग्वेज में कुछ की पॉइंट बना सकते हैं?
ओके एवरीवन, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, ये मेरा हेडिंग है। अब बात मत कीजिएगा, करेक्ट, और इसका नंबर ऑफ मोल एन ए और इसका नंबर ऑफ मोल एन बी, और इन ऑल फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में विच वन इज वोलेटाइल एंड विच वन इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो जो नॉन वोल, यहाँ पे ये मेरा है सॉल्यूशन, तो आपका सॉल्यूशन वोलेटाइल रहेगा या नहीं रहेगा भाई, उसका एक पार्टनर वोलेटाइल नहीं है, दूसरा तो है, करेक्ट, तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा उस वेपर में सिर्फ कौन रहेगा, बी रहेगा, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में ए प्रेजेंट है, बट ए यहाँ पे नहीं जाएगा, वजह ये क्या है, इन ऑल फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट को क्या मानते रहेंगे, नॉन वोलेटाइल, करेक्ट, बट क्या इस यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर के लिए ओनली हु इज रिस्पॉन्सिबल, बी, बट इस प्रेशर को हम लोग नाम देंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बना हुआ क्या है, क्या है प्योर बी है, नो डाउट बी इज रिस्पॉन्सिबल, बट क्या ये प्योर बी है, या इट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, इट इज सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, और मान लेते हैं पी नॉट बी गिवन है, यहाँ देखिए पी नॉट बी, बी मेरा क्या है सॉल्वेंट, बी क्या है सॉल्वेंट, ए क्या है सॉल्यूट, पी नॉट ए कितना लेंगे भाई, जो वेपर ही नहीं क्रिएट करेगा तो क्या लीजिएगा, जीरो, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, इसको आइडियल सॉल्यूशन मानते रहेंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या बोलेंगे, P नॉट A X से लिख सकते हैं ना, P नॉट B X B, करेक्ट, A टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो A बचा क्या, P नॉट B X B, इसका मतलब है कि ये जो पी एस है वो पी वी ही है, हाँ या ना, P नॉट B X B क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो जो यहां पे मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वही तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, जो यहां पे मेरा PV है इसको P नॉट B आप नहीं बोल सकते हैं, दिस इज नॉट प्योर, क्या यहां पे XB का वैल्यू 1 है, XB का वैल्यू अगर 1 हो जाता तब बोलते हैं प्रेशर ऑफ प्योर B, अगर यहां पे सिर्फ B ही भी रहता A जीरो रहता, बट यहां तो A भी और क्या है B भी है, तो दिस इज व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बट जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वही मेरा यहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, ए टर्म को जीरो कर दिया क्यों, क्योंकि सर नॉन वोलेटाइल था, राइट, ओके एवरीवन, अगर आपका प्योर सॉल्वेंट रहता, इफ लिक्विड इज प्योर सॉल्वेंट तब क्या बोलते हैं, तब उस टाइम पे प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाता, पी नॉट बी क्या होता, तो मुझे आपको बताना है पी नॉट बी और पीएस में कौन सा वैल्यू बड़ा है, ऑब्वियसली पी नॉट बी, क्योंकि पी नॉट बी में आप जिससे मल्टीप्लाई करें लेस देन वन है, अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली एक्सपी का वैल्यू क्या रहेगा, वन से छोटा रहेगा,
तो एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग को इसका मतलब समझना चाहिए, जो नेम रहता है उसको डिकोड करना चाहिए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि वैसा कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है, राइट, उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर का वैल्यू रहेगा एट ए गिवन टेम्परेचर, प्योर फॉर्म में, राइट, उसके रेस्पेक्ट में जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसको प्योर फॉर्म के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट को आफ्टर डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट जितना अमाउंट से प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, कितना अमाउंट से, जितना अमाउंट से प्रेशर डिक्रीज करेगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट, मैंने क्या बोला फिर से बोलिए तो, कुछ नहीं बोला क्या बोला ताकि मैंने बोला कि प्योर फॉर्म में जो अगर मेरा सॉल्वेंट रहेगा जो वोलेटाइल है उसका जो एट ए गिवन टाइम जो प्रेशर रहा होगा और जब उसमें हम लोग सॉल्यूट डाल दिए तब जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है तो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू, तो वहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो जितना अमाउंट से वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा किसके रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, दैट वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट वैल्यू इज व्हाट। तो जो मैंने बोला इसको ऐसे लिख सकते हैं, P0B minus PS, वही तो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था, राइट, क्या बोल रहा था, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर रहेगा उसके रेस्पेक्ट में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब निकाल लेंगे तो जितना अमाउंट से ऑब्वियसली वैल्यू कम रहेगा ज़्यादा रहेगा, जितना अमाउंट से डिक्रीज करेगा और डिक्रीज का ऑलवेज क्या होता है इनिशियल माइनस, तो जो ए वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या इसको लैंग्वेज आप लोग बना लेंगे, ओके, तो दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट, करेक्ट है ना। एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं RLVP, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP डिवाइड बाय P0V इज कॉल्ड व्हाट, ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है। चलिए RLVP, LVP क्या है जा लिख सकते हैं वहां पे, P0B minus PS, क्या PS के बदले आप ये लिख पाएंगे P0B XB, वेयर XB इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, मोल रॉल्स के अकॉर्डिंग लिखा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन आर डिवाइडेड बाई P0B, हाँ या ना, RLVP, P0B को कॉमन ले सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, वन माइनस एक्स ही तो एक्स है, और यहाँ पर लास्ट में एक्स आना भी चाहिए था, जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली उसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन दिखना चाहिए, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूट का, राइट, एक से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वन माइनस एक्स इक्वल व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि और ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है, जितना ज्यादा सॉल्यूट का उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, इसका मतलब है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज है, हाँ या ना, एक से ज्यादा तो एक्स भी कम ना, पीएस इक्वल टू आपने क्या लिखा, तो सर पीएस इक्वल टू P0B XB, यही तो PB है, P0B अलग है और PB अलग है, P0B क्या है प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म और PB क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, राइट,
ये दूसरी बात है कि इसका टोटल प्रेशर के लिए प्रेशर ऑफ बी ही रिस्पॉन्सिबल, बट उसको प्योर भी मत मान लीजिएगा, करेक्ट? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, करेक्ट? बट यहाँ पे जितना भी मैं अभी काम कर रहा हूँ वो आइडियल सॉल्यूशन मानकर, मतलब नॉर्मल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ऐसा नहीं कि उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं सर उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया। मतलब मान लेते हैं कि वन मोल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो मुझे वन मोल ही नज़र आ रहा है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वन मोल ऊपर से डाले और अंदर जाकर तो पार्टिकल से मतलब है। कितना बढ़िया है, यहाँ देखिए, आगे चलकर पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। एक मिनट लाइन पर बने रहिएगा। चलिए आज ऑर्गेनिक क्लास नहीं लूँगा, कल एक साथ दो क्लास रहेगा, कल ऐसे भी दो क्लास है। अगर यहाँ पे वन मोल NaCl डाल रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन तो वन मोल का ही प्रॉपर्टी का रहेगा, बट कितना मोल का दिखाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर ये वाटर है तो वाटर में जाकर NaCl एक साथ रहेगा या Na+Cl-? दो मोल पार्टिकल बन जाएगा, राइट? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना का मिलेगा? दो मोल का। आपका एक्सपेक्टेशन कितना का था? मिल कितना गया? तो जो आपने सोचा वही हुआ या उल्टा हो गया? सर मैं जो सोचा उससे अलग हो रहा है, अब नॉर्मल। तो अब नॉर्मल कब हो सकता है? एसओ पार्टिकल जब कम और ज़्यादा हो आपका एक्सपेक्टेशन के रेस्पेक्ट में, या तो कम हो नहीं तो ज़्यादा हो। ज़्यादा कब होगा? टूटने के टाइम पर, डिसोसिएशन, करेक्ट? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने यहाँ डाला 2 मोल ऊपर से, अंदर में जाके 1.5 मोल बन गया। अब ये तो मत बोलिएगा सर 1.5 कैसे होगा, जैसे डिसोसिएशन होता है ऐसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी हो सकता है। तो आपका एक्सपेक्टेशन रहा होगा 2 मोल का, बट बन कितना गया? एक। कब होगा? जब आपस में कुछ पार्टिकल जुड़ गया तो ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा या आपके एक्सपेक्टेशन से कम? आपके एक्सपेक्टेशन से। तो ऑल दी आर व्हाट? एबनॉर्मल, जो कि अलग से क्लास में ही पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी सिर्फ मैं क्या सिखा रहा हूँ? नॉर्मल सिचुएशन में कि ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, इस ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास।